अलैकुम, दसवां रोज़ा मुबारक हो। ये देखें, ये है मेरी छुई मुई, ये देखें। अब इसमें नई नई ग्रोथ निकल रही है, तो मैंने सोचा एक तो ये गमला बहुत छोटा है, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा गमला दूंगी ताकि ये बड़े गमले में सही से चले, और कुछ खाद वगैरह भी दूंगी ताकि ये सही से खाद वगैरह चले, तो इसमें अब फूल भी आए, इसमें फूल लगने का मौसम है वैसे। अब ये इस्माइल, यहाँ आओ बेटा, इस्माइल यहाँ आओ, ये देखें इसकी रूट्स चेक करें, ये अब बाहर निकलने लग गई थी। अब मैं इसको इस गमले में इस तरीके से, ये देखें, अब ये इसकी जड़ों को आराम से अंदर फैलने की जगह मिलेगी, और मैं इसे थोड़ी खाद भी दूंगी, इसीलिए इसमें से थोड़ी सी मिट्टी हमें कम करनी पड़ेगी। ये गोबर की खाद है मेरे पास, ये देखें भूसे की तरह है। और अब हम इसे दे देंगे पानी ताकि ये इसमें ये होल टाइप सा है। अब जब हमने चेंजिंग किए, या तो सुबह के वक्त में करते हैं या असर के वक्त में, ये मैंने आज इस टाइम में कर दिया। अब मैं इसे साए में रखूँगी कि ये कुछ टाइम साए में सही रहे। ये देखें, एक ये है, इसको भी मुझे शिफ्ट करना है। ओ वाह, उसके अंदर केचुआ भी है। केचुआ जो है वो तो हमारे दोस्त है। ये देखें, ये रहा केचुआ, ये खुद ही आ गया, ये हमारे दोस्त हैं। ये देखें, अब मैं इसको ऐसे का ही ऐसा इसमें रख दिया मैंने। अब देखना ये है इसमें फूल कैसे निकले। ये देखें, एक इनकी भी रूट्स कितनी अच्छी बनी हुई है। ये देखें, अब ये मैं ऐसे के ऐसे ही इसमें लगा दूंगी, थोड़े बहुत इनको हिला झुला के, बस ये कोकोपीट की वजह से ना नरम हो रहे हैं। ये देखें, अब बस इस तरीके से इन्हें लगा के ये खुद ही अपनी जड़ें बनाते जाएंगे। एक ये छोटा सा, ये अभी लेट निकला है, ये कॉसमोस के फूल हैं ये। अब देखना ये कि चलते कैसे हैं। मैंने पहली बार खैर फूलों के सीड इस तरह मंगा के लगाए, नहीं तो मैं ज़्यादा सब्जियों को पसंद करती हूँ लगाना, मुझे सब्जियाँ पसंद हैं ज़्यादा लगाना। ये देखें, अब इसको पानी दे देंगे साइड साइड से करके, और इन्हें हम रखेंगे साइड में इसके नीचे दो एक दिन। ये मिर्च के इनमें से हाफ पौधे मैंने निकाल के, ये देखें, ये इधर गमले में लगा दिए, अभी ये हाफ पौधे और लगाती हूँ, मैंने ये भी लगा दिए।